वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। और अगर तुम मेरे चैनल को ऑलरेडी देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है पतंजलि सौंदर्य जेल, सौंदर्य एलोवेरा जेल। सो फ्रेंड्स, इसका मैं आज आपको रिव्यू बताऊँगी। आप जैसे कि जानते हैं कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल भी है और बहुत ही ज़्यादा जो है मार्केट में अफोर्डेबल भी है। सो ये एलोवेरा जेल है। अगर मैं इसके बैक साइड आपको इसका नेट वॉल्यूम बताऊं तो इसका नेट वॉल्यूम है 60 ml। इसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि है 49 rupees। और इसमें बेसिक मटेरियल जो है वो है विटामिन ई, परमिटेड कलर एंड सुगंधित द्रव्य। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एलोवेरा जेल है और इसमें विटामिन ई भी है। ये हमारे रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको फेस के साथ साथ आप इसको बालों में भी यूज़ कर सकते हैं। बालों में आप इसको पैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एग का पैक हो या दही में भी आप इसको डाल के अपने बालों में लगा सकते हैं। और आप इसको फेस पैक भी पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बेसन का हो चाहे वो लेमन का हो, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा सूथनिंग भी करता है और ये 100% इफेक्टिव भी है। तो इससे जो है हमारे एक्ने का भी प्रॉब्लम दूर होता है, हमारे पिंपल्स भी ख़त्म होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। और ये जो है हमारे प्राइमर के लिए भी काम आता है। अगर आप मेकअप से पहले इसको प्राइमर लगा लें तो आपको कोई और प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इस एलोवेरा जेल के मल्टीपल यूजेस हैं, हम इसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ये मेल भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसके बैक साइड पे देखिए तो इसके बैक साइड पे काफ़ी लिखा है, जैसे सुबह स्नान करने से 30 मिनट पहले चेहरे को एलोवेरा जेल लगाकर छोड़ दें, त्वचा के विकारों जैसे खुदरापन, दाग धब्बे आदि, एलोवेरा जेल को 5 से 7 मिनट मसाज करें। बालों की समस्याओं के लिए भी इसका, बालों का झड़ना वगैरह जो है कमज़ोर करना, डैंड्रफ आदि, स्नान से 15 मिनट पहले एलोवेरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है और फेस के लिए भी। अगर किसी को सनबर्न हो जाता है तो ये सनबर्न के भी काम आता है, क्योंकि जब हम ये एलोवेरा जेल लगाते हैं तो हमारे फेस को काफ़ी ज़्यादा जो है सनबर्न से प्रॉब्लम अगर कोई भी होगी तो वो दूर हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात इसकी अच्छी ये है कि अफोर्डेबल भी है, 49 rupees का। इसमें 2-3 पैक आते हैं, जैसे 2-3 साइज़ है वो लेते हैं। मैंने इसका साइज़ 60 ml लिया, इसमें 90 ml भी है, वो भी आप ले सकते हैं, जो कि 82 rupees या 90 rupees में। आप इसको चाहें तो किसी भी स्टोर से ले सकते हैं, बिग बाज़ार से भी आप इसको ईज़िली ले सकते हैं, और ऑनलाइन तो आप इसको ईज़िली ले सकते हैं। ऑनलाइन में आपको ऑफ़र्स भी पतंजलि में मिल जाता है। और मैं आपको भी बताऊंगी, मैं आपको भी बताती हूँ कि इसमें इसको पिंपल्स, एक्ने या फिर डार्क स्पॉट्स को कैसे इससे दूर किया जाता है। पहले आप इसकी बॉटल देखिए, ऐसी इसकी बॉटल है जो एक ट्यूब में आती है। इसको मैंने ओपन किया, इसको मैंने थोड़ा सा लिया, ये देखिए। अब इसको करना क्या है, जहाँ जहाँ भी आपको पिंपल है वहाँ पर आपने इसको जस्ट डॉट लगा देना है। पूरे फेस को लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको पिंपल्स है डॉट लगा के वहाँ पे टैप, जस्ट टैप करना है। इसको आपको फिर क्रीम की तरह नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ आपको पिंपल्स है वहाँ वहाँ आपने इसको लगाना है और इसको टैप करते जाना है। रात भर आपने इसको छोड़ देना है और सुबह आपने फेस को गुनगुने पानी से धो लेना है। और अगर तो आप इसको फर्स्ट लेयर जो आप इसको लेयर के हिसाब से लगाते हैं, पहली लेयर सिर्फ एक ही लेयर आपने इसको लगाना है, तो आप इसको मसाज करके रात को, अगर आपको सूथनिंग के लिए चाहिए, फ्रेशनेस होनी चाहिए, तो इसको आपने जस्ट मसाज करके रात भर छोड़ देना है और सुबह आपको गुनगुने पानी से आपने इसको धो लेना है। तो आपका फेस काफ़ी ज़्यादा साफ भी रहेगा और आपके फेस में काफ़ी ज़्यादा सूथनिंग भी आएगी, दाग धब्बे सब कुछ जो है इससे कम हो जाएंगे। एकदम से तो ख़त्म नहीं होंगे, धीरे धीरे जो है ये आपको इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे पर्सनल व्यूज़ जो मैंने आप सबके आगे शेयर किया। ये कोई पिया नहीं है, ये मैं खुद सब प्रोडक्ट्स जो हैं यूज़ करती हूँ, फिर मैं आपको उसका रिव्यू बताती हूँ। पर आप ये बॉटल भी देख सकते हैं, आधी से ज़्यादा तो ख़त्म ही हो चुकी है। ये मेरी थर्ड बॉटल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, एज अ प्राइमर, एज अ जेल, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे पर्सनल व्यूज़ थे जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। और मेरे काफ़ी सारी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको कुकिंग भी मिलेगी और काफ़ी सारे प्रोडक्ट के व्यूज़ भी मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे मेकअप भी पसंद है, मुझे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देना भी पसंद है, मुझे कुकिंग करना भी पसंद है। तो आगे आपको सब ऐसे ही मिलेगा। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।